हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है स्टीम लोकोमोटिव, यानी कि ये क्या है लोकोमोटिव? सो इट्स एन इंजन ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो ट्रेन में हम क्या करते हैं, जो स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बॉयलर में जो स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, वो स्टीम का यूज़ क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो पिस्टन रहता है उसको यहाँ पे फोर्स लगाने में वो स्टीम का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके तो ये फोर्स से क्या होता है, जो पिस्टन जो है उसकी मूवमेंट होती है, तो यहाँ पे जो पिस्टन की मूवमेंट होती है उससे क्या होता है, ट्रेन में ट्रेन जो है वो आगे बढ़ती है। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा कि ये स्टीम लोकोमोटिव वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये लिखा है कि टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव, तो बेसिकली देर आर फोर टाइप्स, इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव, आउटसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव, सिंगल कपल लोकोमोटिव एंड कपल लोकोमोटिव। तो इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पिस्टन यूज होगा, सिलेंडर जो यूज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सिलेंडर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे व्हील जो होगा, दो व्हील वो आउटसाइड होंगे एंड सिलेंडर जो है वो इनसाइड होंगे। इट इज कॉल्ड द इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव। ठीक है, तो ये जो दो व्हील है और यहाँ पे जो सिलेंडर है, तो सिलेंडर अगर अंदर रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनसाइड, एंड अगर सिलेंडर बाहर है एंड व्हील अंदर है, ठीक है, अगर व्हील अंदर है एंड सिलेंडर आउटसाइड है, देन इट इज कॉल्ड दी आउटसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव। सिंगल अनकपल्ड लोकोमोटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फ्रंट एंड रियर, जैसे कि ये ट्रेन है तो ये फ्रंट व्हील है दो, ठीक है, और यहाँ पे ये रियर व्हील है दो, तो यहाँ पे सिंगल अनकपल्ड लोकोमोटिव यानी कि यहाँ पे सिंगल ड्राइव से चलता है, एंड कपल लोकोमोटिव यानी कि फ्रंट एंड रियर ये दोनों, यानी कि ट्रेल एंड लीडिंग जो व्हील है ये दोनों में फोर्स लगता है एंड वो चलते हैं। तो मोस्टली अभी तो ये एलिमिनेट हो चुका है सिंगल अनकपल लोकोमोटिव, बट कपल लोकोमोटिव अभी जनरली यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली व्हाट इज लोकोमोटिव एंड टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव। अब यहाँ पे एक वर्ड और यूज किया है कि पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव। तो वो वर्ड क्यों यूज किया है, तो बेसिकली यहाँ पे जो कनेक्टिंग रोड होता है एंड जो क्रैंक होता है उसका जो रेशियो है, कनेक्टिंग रोड की लेंथ एंड रेडियस ऑफ द क्रैंक, यानी कि इसका जो रेशियो है, ये रेडियस है और ये कनेक्टिंग रोड है, तो इसका जो रेशियो है ना वो हम क्या करते हैं, लार्ज रखते हैं, ताकि हमारी जो सेकेंडरी बैलेंस फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओनली वी हैव टू डू प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस। ठीक है, आपको पता ही है कि प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स एंड सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स ये दोनों आता है, आगे आपने थियरी में देखा होगा। तो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स ही हमें एक बैलेंस करना रहता है, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स जो है वो ये लार्ज रखने से, ये रेशियो लार्ज रखने से ये इसकी इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव। ठीक है, तो आपको ये वर्ड समझ में आया होगा, टाइटल समझ में आया होगा, पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव क्यों कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव, अब उसकी इफेक्ट क्या है, तो बेसिकली जब ये जो सिलेंडर है, ठीक है, ये क्रैंक है, जब ये सिलेंडर जो है यहाँ पे अंदर पिस्टन मूव करता है, ठीक है, तो उसमें दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक तो है अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, मतलब कि रेसिप्रोकेटिंग फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, मतलब कि ये जो अलोंग द लाइन है यानी कि ये, ठीक है, तो यहाँ पे जब ये क्रैंक रोटेट होगी तो एक अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक जो है वो फोर्स लगेगा, एंड दूसरा जो है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक, यानी कि एफ वी, इस तरह से परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दो ऑप्शन है, एक तो है रेसिप्रोकेटिंग फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक एंड दूसरा है परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक। तो इसकी इफेक्ट क्या होगी, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है ना उसकी इफेक्ट होगी, एक तो ट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगा, ट्रैक्टिव फोर्स क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जो ये फर्स्ट है केस वन, ठीक है, उसकी इफेक्ट जो है वो है ट्रैक्टिव फोर्स, एंड दूसरा जो है वो यहाँ पे लगेगा वो है स्वेइंग कपल। ठीक है, ये दूसरी इफेक्ट उसमें होगी, स्वेइंग कपल। तो ट्रैक्टिव फोर्स एंड स्वेइंग कपल, इट्स बिकॉज ऑफ अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, क्लियर है, ओके। दूसरा है फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक, तो परपेंडिकुलर जब होगा लाइन ऑफ स्ट्रोक
तो उससे हैमर ब्लो क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये तीन इफेक्ट जो है वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी पढ़नी है, हैमर ब्लो, ठीक है। तो ये तीनों जो इफेक्ट है उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी आप ये समझ लो कि व्हाट इज लोकोमोटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया सिंपल कि पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव, ये थियरी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो व्हाट इज द पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव, ठीक है। तो लोकोमोटिव किसे कहा जाता है, इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव क्या है, आउटसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव क्या है, ठीक है। फिर उसको पार्शियल बैलेंसिंग क्यों कहा जाता है, ठीक है। और उससे दो केस जो है, केस वन एंड केस टू, और केस वन से क्या क्या होता है, तो एक तो केस वन से होता है अट्रैक्टिव फोर्स एंड स्वेइंग कपल, एंड केस टू से क्या होता है, तो हैमर ब्लो। तो फ्रेंड्स होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।